अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलनवाज फ्रॉम PS जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सेकेंड सेमेस्टर, 19 एडिट 4385। सबसे पहले हम ERD डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले जो ERD डायग्राम है वो वर्ड पे बनाई हुई है, इसलिए हम वर्ड पे इसको बनाएंगे। वैसे हम इसको SQL पे भी बना सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उन पे भी बना सकते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो एटसेट्रा। वर्ड पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, शेप्स का ऑप्शन होता है, शेप्स पे क्लिक करके अब हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें, मैं एक क्रिएट करता हूँ, ये देखें। ओके, अब इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, फिल कलर नो कलर के साथ या वाइट कलर, ये हो गया। अब देखें, इसमें मैंने कुछ लिखना भी है तो आई कैन राइट इट इन। अब जो टेक्स्ट है उसका कलर भी हमने चेंज करना होता है, वरना वो भी वाइट ही आएगा। ये देखें, ऊपर से भी हो सकता है, ये देखें, मैं ये करता हूँ। अब देखें, मैं एक ERD बना रहा हूँ कि स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा है उसमें। तो मैं लिखूँगा एक मेरे पास स्टूडेंट की, समझें कि एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट के नेम से एक टेबल है, लेकिन वो स्टूडेंट का डेटा है। उसमें आके जो कीज़ हैं, जो कॉलम नेम होते हैं, उसमें एक कॉलम है स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट का एक कॉलम है, ठीक है। ये स्टूडेंट लिख दिया मैंने। अब मैं साथ में लिखूँगा एक और, मैं बना लेता हूँ रेक्टेंगल। अब मैंने वो रेक्टेंगल बना दी है, ये देखें। अब देखें, इसी तरह हम जिस तरह उसका किया था, यहाँ से इसका भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी मैं लिखूँगा, इसमें मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कोर्सेज, ठीक है। तो कोर्सेज, तो स्टूडेंट कोर्सेज को क्या करते हैं, यानी कि अपनी बुक्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इनके दरमियान रिलेशन है स्टडी का, स्टूडेंट स्टडी कोर्सेज, ठीक है। तो हम किसी रिलेशन को अगर शो करना हो तो वो एक और डायग्राम है, डायमंड टाइप की, उससे हम शो करते हैं। तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें, ये वाली डायग्राम है, ये वाली, ये वाली। ये देखें, स्टूडेंट स्टडी कोर्सेज। अब हम इसको तो मिला देते हैं लाइन से, देखें लाइन है हमारे पास, तो ये लाइन का एक कॉर्नर यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे। अब एक और लाइन लगाते हैं, उसका एक यहाँ से और दूसरा उसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब देखें जी, कोर्सेज है और स्टूडेंट है, स्टूडेंट के भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, कोर्सेज के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे आगे। जैसे कि एक टेबल होता है, समझे कि अक्सर में तो स्टूडेंट के नीचे लिखा होता है, स्टूडेंट के नेम होते हैं, ठीक है, थीके? हाँ, इस तरह कोर्सेज के होंगे, तो कोर्सेज के अभी आगे आईडी होगी, कोर्सेज आईडी क्या है एटसेट्रा, ठीक है। तो हम कोर्सेज की बात करते हैं कि कोर्सेज के किस तरह लिखेंगे हम एट्रीब्यूट, तो वो हम इस तरह लिखेंगे, ये देखें। उसके लिए ये डायग्राम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दो तीन ही बनाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जो मैंने बनाई हुई है ERD डायग्राम उस पर शो करवा दूंगा, इनके साथ वही लाइनें मिला देंगे।
ये देखिए मेरे पास यानी कि डेटाबेस DB, ठीक है। मैं DB के नाम से इसको शो कर देता हूँ। इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ्स, तो ये मैथ हो गया, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट का होगा, स्टूडेंट ID होगी, ठीक है। स्टूडेंट नेम होगा। अब जो होती हैं एक तरह की प्राइमरी की, ठीक है, उनको शो करने के लिए हम जिन पे दूसरी कीज डिपेंड करती हैं उनको शो करने के लिए हम उनके नीचे लाइन भी लगाएंगे। समझे कि एक कोर्स ID है, ठीक है। यहाँ पे एक और बना लेते हैं कोर्स ID। ठीक है, तो इसके नीचे मैं एक लाइन पे लगा दूंगा, ठीक है। अब देखें ये लाइन है, इसी को यहाँ से ऐड किया जा सकता है। ये देखें, तो ये जो लाइन है ये जिसमें एट्रीब्यूट में होगी ये शो करेगी कि ये एट्रीब्यूट जो है ये प्राइमरी है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है उसको शो मैं करवाता हूँ, आपको समझाता भी हूँ, ठीक है, किस तरह बनाई हुई है, क्या सीन है उसका। तो लेट्स गो। ये देखें, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे स्टूडेंट, ठीक है, स्टडी कोर्सेज, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट कोर्सेज करते हैं। कोर्सेज तो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, या कोर्सेज आर स्टडी बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, कोर्सेज आर स्टडी बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के आगे एट्रीब्यूट है जो देखें, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट स्किल, ID। देखिए ID के नीचे वही, ठीक है। एक और है स्टूडेंट सेमेस्टर, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट ई, स्टूडेंट फादर नेम, एफ नेम मीन फादर नेम, ठीक है। आगे स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, यानी कि एड्रेस क्या है, स्टूडेंट रहता कहाँ पर है, उसकी कलोनी, ठीक है। एड्रेस के आगे मज़ीद एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं, कलोनी, हाउस नंबर, रोड। आगे स्टूडेंट का एक और मज़ीद जोड़ा गया है कनेक्शन, रजिस्टर्ड एट एडमन। जो भी स्टूडेंट होगा उसका कोई एडमन ऑफिस होगा उसकी फैकल्टी का, ठीक है, जहाँ पे उस पूरे डिपार्टमेंट का एडमन ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे सब रजिस्टर होते हैं। तो वो कहता है स्टूडेंट रजिस्टर एट एडमन ऑफिस। तो एडमन के पास क्या होगा, फ़ोन होगा, स्टूडेंट नेम होगी, स्टूडेंट ID होगी, ठीक है, फैकल्टी के नेम होगे, फैकल्टी ID होगी यानी कि टीचर वगैरह के नाम ID, डिपार्टमेंट का नाम होगा। अब जो फैकल्टी है उसी को भी उसको भी उस तरह जोड़ा गया है जिस तरह स्टूडेंट को जोड़ा गया है, जिस तरह स्टूडेंट का कनेक्शन एडमिन से बनाया गया है, इस तरह फैकल्टी का भी बनाया गया है, ठीक है। वो कहता है फैकल्टी रजिस्टर्ड एट एडमिन, ठीक है, या एडमिन रजिस्टर फैकल्टी। तो जो फैकल्टी की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे सेफ हैं। अब फैकल्टी की क्या होगी, एजुकेशन होगी, ID होगी, एज होगी, सैलरी होगी, कोर्स होगा, ग्रेड होगी, ठीक है। देखिए ID के नीचे यहाँ भी ये लगाया गया है, लाइन लगाई गई है, यानी कि ये प्राइमरी की है इसकी। एड्रेस कलोनी, हाउस नंबर, रोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है ईमेल एंड फोन। अब इनके अराउंड जो है वो दो सर्कल हैं, ठीक है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि ईमेल है। अब एक बंदे के दो ईमेल भी हो सकते हैं, एक बंदे के दो या तीन फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए होता है कि जो एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा चीज़ें रखता हो, ठीक है। अब ईमेल है, ये दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इसलिए इसको एक टू सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी, ERD डायग्राम तो क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल है हमारा,